हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, या बोल सकते हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अप्लाइड फिजिक्स टू जिन जिन सेमेस्टर में हैं दोस्तों, आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली हम आप लोगों से बात कर रहे थे वेव मोशन एंड इट्स अप्लीकेशन, यानी चैप्टर वन जैसा कि चल रहा है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी हो चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दोस्तों, इसमें हम कंप्लीटली आप लोगों को बताएंगे कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, और बताएंगे प्रणोदित दोलन होता है, फोर्स टू ऑसिलेशन, उसके बाद हम डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब सिंपल से वे में एक चीज समझना है, दोलन से। ठीक है, दोलन आप लोगों के दिमाग में एक चीज आना चाहिए दोस्तों, कौन सा दोलन? जो आप लोगों ने एक चीज तो देखा ही हुआ, पेंडुलम वाली घड़ी। तो कंप्लीटली हम इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे से हर एक चीज को समझेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने टॉपिक को मुक्त दोलन की। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मुक्त दोलन को समझना है कि मुक्त दोलन होता क्या है। ठीक है, और उन सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज डाउनलोड करिए और उस पर अच्छी खासी रेटिंग दीजिए दोस्तों। और एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग कंप्लीट वे में परचेज कर सकते हैं केवल 99 रुपए में। ठीक है, 99 रुपए में अपना सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम अच्छे से अपने सेमेस्टर को क्लियर कर पाए। ठीक है, बहुत ही मिनिमल फीस है दोस्तों, इतने कम फीस में आप लोगों को इतनी सारे मटेरियल को दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज समझना है कि हमारा जो एक क्लास होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उस क्लास लिंक को, यानी इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर के नाम से लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिएगा, सीधे आप लोग ऐप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप लोग जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम आप लोगों से चैप्टर वन तक का जो डेमो होगा कंप्लीट वे में आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, पहले बात करते हैं दोस्तों फ्री ऑसिलेशन होता क्या है। तो यहां से ध्यान से समझना है कि जब किसी दोलन करने वाले, ठीक है, यानी दोलन करने वाले मतलब क्या है, ऐसे ऐसे जो मोशन दोलन करते हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोलन करने वाले पिंड को उसकी साम्य स्थिति से छोड़ा जाए, मतलब साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर छोड़ दिया जाए। ठीक है, या छोड़ दिया जाता है, साम्य स्थिति मतलब कि जो पहली स्थिति थी, पहली मतलब कि जो हमारी रुकी हुई अवस्था होती है उसी को हम साम्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, साम्य मतलब साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे, थोड़ा सा मतलब विस्थापित करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है, यानी जो हमारा फाइनल पोजीशन होगा उसके इधर उधर ये क्या करता है, दोलन करने लगता है। ऐसे मान लीजिए एक पोजीशन में थी, पहली वाली साम्य की अवस्था में ऐसे था, अब थोड़ा सा उसमें हमने क्या किया, विस्थापन प्रोवाइड किया, तो ये ऐसे ऐसे हमारा दोलन करने लगता है अपने जहां पे है उस के आसपास। ठीक है, दोलन करने लगेगा तो उसे हो गया क्या, इस स्थिति में पिंड अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से दोलन करता है, यानी जो उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी होगी उसी से क्या करता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक यानी खुद की, ठीक है, उसी से क्या करता है, दोलन करता है। पिंड के दोलन का आयाम जो होता है यानी एम्पलीट्यूड जो होगा इस कंडीशन में स्थिर रहता है तथा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, यानी समय के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता है, अतः जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है, ठीक है, यानी किसी और फोर्स के मतलब कि बिना, ठीक है, किसी और फोर्स के बिना अगर दोलन करता है तो उसके आयाम में दोलन को हम बोल देते हैं ये मुक्त दोलन कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही था दोस्तों मेरा मुक्त दोलन बेसिकली होता कुछ नहीं है। फिलहाल आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि आपने अपने डंडी में, ठीक है, डंडा तो समझते ही होंगे, डंडा में एक ऐसे करके, ठीक है, इधर से लाइएगा और यहाँ पे एक मतलब कि धागे में कोई बॉबिन बांध दीजिएगा, लोहे का या कोई टुकड़ा बांध दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे होगा क्या दोस्त, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ये अब करना कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर देना है। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करके छोड़ देना है। फिर क्या होगा, उसमें ऐसे 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 मोशन होता रहेगा, अब एक कंडीशन आएगी फिर से अपने साम्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि यही बात आप लोगों को लिख देना है कि जब किसी दोलन करते हुए पिंड को किसी एक साम्य स्थिति से छोड़ा जाता है, तो मतलब साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, तो वह पिंड अपने स्थिति के इधर उधर क्या करता है, दोलन करता है। ठीक है, और जो दोलन करता है दोस्तों अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी के कारण दोलन करता है, और पिंड के दोलन करने का जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, और देखिएगा इसमें फिर क्या कहा जा रहा है, समय के साथ परिवर्तन, इसमें किसी प्रकार का समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, अतः पिंड किसी कहा जा रहा है पिंड बिना किसी बाह्य
बल के दोलन करता है तथा इसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन न हो तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को फ्री ऑसिलेशन हमने समझा दिया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन की। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे डेफिनेशन को बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे हम प्रणोदित यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल याद आना चाहिए। यदि सरल लोलक को हाथ से पकड़कर दोलन कराया जाए तो यह प्रणोदित दोलन कहलाएगा। प्रणोदित दोलन का मतलब जब आप अपने हाथ में ही क्या पकड़ लेंगे, वो लोलक जो होगा उसको अपने हाथ में पकड़ के दोलन कराइए, वही मेरा हो जाएगा प्रणोदित दोलन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यही चीज लिख देना है कि जब कोई पिंड अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, ठीक है, दोलन न क्या कहा जा रहा है, अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो दोलन न करके किसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करता है तो इस प्रकार के दोलन को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि हमारा जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसके उसके लिए नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के कारण नहीं बल्कि कोई बाह्य बल जो हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी से क्या करता है, दोलन करता है, तो इस प्रकार के दोलन को हम प्रणोदित दोलन बोल देते हैं। फिलहाल हमने एग्जाम्पल में बताया दोस्तों कि यदि सरल लोलक जो हो उसको हाथ में पकड़ के दोलन कराया जाए तो वही हमारा क्या होता है, प्रणोदित दोलन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दो पॉइंट अभी तक हमने आप लोगों को बताया, दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में एक दो नंबर में आते रहते हैं। ठीक है, अब देखती है दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है, इसे हम अवमंदित बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के आप अभी आप लोग ईआईएम में पढ़ेंगे तो वहां पे डैम्पिंग टार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहां से रिलेट करके आप लोगों को, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वहां से रिलेट करिएगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्पिंग क्या होता है, तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगे। फिलहाल आप लोगों को केवल डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम यानी एम्पलीट्यूड समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलन को हम अवमंदित दोलन कहेंगे। ठीक है, अवमंदित दोलन यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों समय के साथ घटता जाएगा या घटता जाए तो इस प्रकार के हम दोलन को अवमंदित दोलन कहेंगे। मान लीजिए कोई पिंड है हमारा, वो दोलन कर रहा है किसी एम्पलीट्यूड के साथ, और एक चीज कह सकते हैं उसमें समय के साथ क्या होता है, उसका जो दोलन है वो घटता जाए, इस प्रकार मतलब जब दोलन घटता जाएगा तो इस प्रकार के हम इस प्रकार के दोलन को या इस प्रकार के ऑसिलेशन को हम बोल देंगे ये मेरा अवमंदित यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, अवमंदित की हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अवमंदन बल जो बात करेंगे, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं और डी मतलब डैम्प्ड होता है। ठीक है, तो एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस के वी के, और यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं दोस्तों तो एक हमारा नियतांक आ जाता है जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ये होता है माइनस बी जो लगा हुआ है, यही मेरा बी जो है यही मेरा अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या है, वेग है, बी क्या है, अवमंदन नियतांक है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, और एफ डी क्या है, ये हमारा है डैम्प्ड फोर्स्ड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं रेजोनेंस, आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, इस रेजोनेंस को आप लोग ध्यान रखिए। अनुनाद आप लोग, मैं अभी आप लोगों को जैसे बी डबल स्टार्ट होगा तो उसमें भी मैं आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेजोनेंस आप लोगों को देखा जाएगा आप लोगों को एसी सर्किट में। ठीक है, एसी सर्किट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल जब मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल का जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो उसमें बताया था कौन कौन चैप्टर जो होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पूरी बी डबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो आप लोग पूरी वीडियोवली को अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्लास की जो फीस है बहुत ही मिनिमल है, आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रेजोनेंस की। ठीक है, तो रेजोनेंस आप लोग पहले इसका ध्यान से आप लोग इसका पढ़ लीजिए, और वहां पे हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो जो हमारा होगा इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, यानी एक्सएल और एक्सी जो हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा, वही मेरा रेजोनेंस की कंडीशन कहलाता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं रेजोनेंस की। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे रेजोनेंस में क्या लिखना है, यदि दोलन करते किसी पिंड की क्या कहा जा रहा है, दोलन करते किसी पिंड की नेचुरल आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तथा पिंड पर आरोपित आवर्ती बाह्य बल की आवृत्ति समान हो जाए, यानी जो हम उस पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं और हम जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आवर्ती मतलब बाहर से जो बाह्य बल के द्वारा हम आवृत्ति को मतलब उसमें स्थापित कर रहे हैं, अगर वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों अगर समान हो जाएंगे तो पिंड जो होगा, पिंड के दोलनों का आयाम जो होगा एकाएक बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, सरल आवर्त गति में इस घटना को अनुनाद कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी दो फ्रिक्वेंसी बराबर हो रही है, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक बाह्य फ्रिक्वेंसी, तो दोनों हमारी क्या हो रही है, जब दोनों फ्रिक्वेंसी समान हो रही है यानी बराबर हो रही है तो इससे ही हमें क्या मिल रहा है,
अनुनाद की स्थिति देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला है, इस फार्मूले का बेसिकली हमें कोई डेरिवेशन नहीं पता है, फिलहाल डेरिवेशन करना भी नहीं है आप लोगों को। देखिए, a इक्वल टू आप लोगों को याद रखना है एफ नॉट अपॉन 4π² एम एन ई का स्क्वायर और माइनस एन एफ का स्क्वायर। बेसिकली जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है, ए आप लोगों का एम्पलीट्यूड है दोस्तों, एफ नॉट क्या है आयाम, मतलब आयाम का बाह्य बल का, मतलब आयाम जो है बाह्य बल का है। ठीक है, एम क्या है द्रव्यमान है, और एन ई क्या है एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है, और एक हमारा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहीं पे बात किया जा रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी दोस्तों, नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी जब बराबर हो जाएंगे तो वही मेरा रेजोनेंस की कंडीशन कहलाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, अनुनाद की स्थिति में ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जब दोनों हमारे वैल्यूज बराबर हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इनफाइनाइट, यानी इस स्थिति को हम बोल देंगे, लिखना है कि अनुनाद की स्थिति में आयाम क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त की अनुनाद की स्थिति में एनी यानी एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी बराबर हो जाती है, जिससे हमारा एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा अनंत हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। एक देखिएगा यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि बात किया जा रहा है सोना को जब सेना लिखा है, सेना सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई सैनिक यानी सैनिक मतलब सिपाही जो होते हैं भाई, ठीक है, आर्मी वाले, ठीक, आर्मी वाले अगर किसी भी कितना अच्छा ब्रिज हो उस पर अगर उनसे क्या करवा दीजिए, उनपे मतलब कि क्या कहते हैं मार्च फास्ट कहते हैं, ठीक है, तो उस पे अगर उसको उनका करवा दिया जाए, मार्च फास्ट करवा दिया जाए, तो उस पे क्या होगा, जो कदम से कदम मिलाते हुए पूरा मतलब करते हुए चलते हैं, अगर वो करवा दिया जाए दोस्त, यानी मार्च फास्ट करवा दिया जाए अगर किसी भी पुल पे, एक मतलब कि एक साथ ही, मतलब बहुत सारे सैनिक हैं, 100-200 सैनिक हैं, और उस किसी ब्रिज पे हम क्या करवा दें, मार्च फास्ट करवा दें, तो ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। ठीक है, क्यों गिर जाता है दोस्तों, तो यही आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो देखिएगा सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि यदि सैनिकों के पैरों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो पुल बहुत बड़े आयाम से कंपन करने लगेगा और पुल के टूटने का खतरा जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब बात किया जा रहा है रेजोनेंस के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि रेजोनेंस का कितना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है हमारे यहाँ पे, मतलब कोई भी चीज हो तो इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों कि सैनिक जो होते हैं किसी भी पुल पे मतलब कि मार्च फास्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात नहीं की जा रही है, उस पर चलने वाली बात की जा रही है, कदम से कदम मिला के जो चलते हैं ना उसकी बात की जा रही है। ठीक है, फिलहाल इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसे हम क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर या क्यू गुणांक भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर होता है इसकी यूनिट नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, बेसिकली एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, किसी अवमंदित दोलन का क्वालिटी फैक्टर दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा, यानी जब हमारा कोई भी हमारा अवमंदन करता हुआ कोई भी दोलन हो वो क्या कर रहा है, मतलब कि क्वालिटी फैक्टर के साथ, ठीक है, यानी क्वालिटी फैक्टर के साथ दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा, यानी उसमें जितनी भी एनर्जी है वो एकत्रित एनर्जी की बात की जाए, तथा उसके गुणन उसके एक कंपन से में क्षय के अनुपात, यानी क्षय ऊर्जा यानी जो उसमें लॉस हो रही एनर्जी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात का 2π गुना होता है, क्या, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π यहाँ पे लिखा गया है, एकत्रित औसत ऊर्जा अपान एक कंपन में क्षय ऊर्जा। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि मुक्त दोलन में, लिखा गया है मुक्त दोलन में ऊर्जा क्षय का मान 0 होता है, अतः मुक्त दोलनों के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान अनंत होता है। यानी जब हम बात करेंगे फ्री ऑसिलेशन के लिए तो वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का मान अनंत हो जाएगा, और एनर्जी की लॉसेज जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा फ्री ऑसिलेशन जो होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लिख दिया है दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँगा साउंड की। ठीक है, तो कंप्लीट वे में हम साउंड को अगले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि साउंड जो होगी इसकी अच्छे से हम पूरा इसका जो होगा साउंड को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है, और हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपने साउंड को। साउंड भी आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का जो है एक पूरा इसका ही एक रोल है। ठीक है, साउंड को कंप्लीट हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली एक साउंड पूरा टॉपिक ही आप लोगों में, साउंड में क्या क्या चीज़ें इसके गुण हैं, क्या
अवगुण है, क्या चीजें क्या होती है, मतलब साउंड की कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिएगा। लाइक करने से आप हमें मोटिवेशन के तौर पे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि इस पूरी क्लास को आप लोग इसके आगे की जो और भी क्लासेस होंगी आपके आप लोगों की ऐप पे हो रही हैं, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोर्स की फीस की बात करेंगे दोस्तों तो केवल 99 रुपये है, आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।